बार ईद की तैयारी बहुत लेट हुई है, हमारी ईद की तैयारी हो चुकी है फ्रेंड। देखिए ये रही हमारी ईद की शॉपिंग और ये हमारा पर्स फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपने ड्रेसेस और मैं अपना पर्स। सबसे पहले मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ, मैं अपनी चूड़ियां भी दिखाऊंगी बाद में। देखिए ये रही मेरी ड्रेस और फ्रेंड देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा बंच बना हुआ है और ये हमारा बंच है। फ्रेंड आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना। फ्रेंड ये इसके साथ दुपट्टा है, फ्रेंड देखिए ये रहा है इसके साथ दुपट्टा। फ्रेंड कितना छोटा दुपट्टा है। फ्रेंड मैं आपको अब अपना दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ। देखिए ये रहा मेरा दूसरा ड्रेस, इसके ऊपर कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना तीसरा ड्रेस। देखिए ये रहा मेरा तीसरा ड्रेस, ये रहा इसका प्लाजो कितना प्यारा लग रहा है ना। मैं आपको दिखाऊंगी माँ के ड्रेस। फ्रेंड ये देखिए ये मेरा ड्रेस पुराना है। फ्रेंड देखिए ये माँ की फ्रॉक है। मैं बोलूंगी शाइनिंग वाली टाइट्स है। फ्रेंड यहाँ पे शाइनिंग हुई भी है। मैं आपको दिखाती हूँ मीनाल की ड्रेस, यह मीनाल की फ्रॉक। फ्रेंड इसकी यहाँ पे भी बो बनी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है ना। और देखिए इसकी बैक साइड। फ्रेंड अब मैं आपको हादे का ड्रेस दिखाती हूँ। ये है हादिया का ड्रेस, ग्रीन पैंट, व्हाइट कलर की कितनी प्यारी फ्रॉक है और इसके नीचे ये प्यारी सी पैंट है। हादिया और मीनाल के और भी ड्रेस है, अभी वो स्टिच हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे शूज। फ्रेंड ये हादिया के शूज हैं। ये वाले शूज मीनाल के हैं। फ्रेंड मैम आपको अपने शूज खुद ही दिखाएगी। फ्रेंड ये देखिए ये मेरे शूज हैं। ये देखिए कितने शाइन कर रहे हैं। फ्रेंड अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे शूज। फ्रेंड ये देखिए ये हैं मेरे शूज। अपने कमेंट में बताने कि हम चारों में से किसके शूज बहुत प्यारे हैं। मैं अब हम दिखाते हैं आपको हमारे पर्स। हम तीनों के पर्स एक जैसे हैं लेकिन कलर डिफरेंट है। ये ब्यूटीफुल पर्स है और ये इसकी पोम-पोम है और ये इसके कान है। तो मैं भी अपना पर्स दिखाऊंगी। पर्स है और
चूड़ियों का क्या हाल हो रहा है? ये हम चारों के रिंग्स हैं। आपको हमारी ईद की शॉपिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।